हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। तो आज हम देखने वाले हैं इंग्लिश में मे बी, ये जो वर्ड है ये इंग्लिश में सेंटेंस में किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है, ये आज हम यहाँ पे देखेंगे। तो जैसे कि आपको पता ही है कि मे बी का हिंदी में उसका अर्थ होता है शायद, तो आज हम देखेंगे कि इसका उपयोग सेंटेंस में किस प्रकार से किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि मे बी कब इस्तेमाल करते हैं। Use maybe when something is more likely to happen. जी हाँ, इसका क्या मतलब है कि जब कुछ होने की अधिक संभावना होती है तब maybe का प्रयोग किया जाता है। यह संकेत देने के लिए कि कुछ अनिश्चित है लेकिन उसके सच होने की संभावना है, मतलब अभी तक तो कुछ सर्टन नहीं है, होगा या नहीं होगा पता नहीं, लेकिन अनिश्चित है लेकिन फिर भी सच होने की संभावना भी है। तो इसलिए यहाँ पे जब भी ये सिचुएशन आपको दिखानी है, जब भी इस सिचुएशन के बारे में आपको बोलना है, तब आपको मे बी का प्रयोग इंग्लिश में करना होगा। अब चलिए देखते हैं कौन से सेंटेंस में किस तरीके से हम मे बी का उपयोग कर सकते हैं। अगले हफ्ते हड़ताल हो सकती है। देर मे बी अ स्ट्राइक नेक्स्ट वीक। हो सकता है वह हमारा इंतजार कर रहा हो। ही मे बी वेटिंग फॉर अस। सुबह 10 बजे ट्रेन हो सकती है। देर मे बी अ ट्रेन एट 10 AM। तो देखिए, ये सब सेंटेंस जो हम देख रहे हैं इसमें अनसर्टेनिटी है, कहीं भी निश्चित तौर से बताया नहीं गया है। पॉसिबिलिटी दर्शाई गई है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आगे और कुछ सेंटेंसेस देखेंगे, वीडियो को कृपया स्किप ना करें। यह आखिरी मैच हो सकती है जो वह भारत के लिए खेलता है। This may be the last match that he plays for India. वह विकास से नाखुश हो सकती है। She may be unhappy with the developments. मीठा आपके दांतों के लिए खतरनाक हो सकता है। Sweets may be dangerous to your teeth. यह अब तक का सबसे भारी ट्रैफिक जाम हो सकता है। यह अब तक का सबसे भारी ट्रैफिक जाम हो सकता है। इट मे बी द हेवीएस्ट ट्रैफिक जाम आई हैव एवर सीन। हम पैसे खो सकते हैं लेकिन हम अभी तक छोड़ने वाले नहीं हैं। वी मे बी लूजिंग मनी बट वी आर नॉट गोइंग टू क्विट इट। प्रस्तुति के दौरान आपसे एक छोटा भाषण देने के लिए कहा जा सकता है। यू मे बी आस्क्ड to give a short speech during the presentation. Thanks friends, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपसे एक निवेदन है, एक रिक्वेस्ट है कि कृपया अगर आप नए हैं तो इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।